तो हे नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी भाइयों का और दोस्तों का आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फ़ोटोशॉप को आप अपने मोबाइल में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सॉरी, डाउनलोड तो नहीं, पर उसे आप ऑनलाइन ही फ़ोटोशॉप को कैसे चला सकते हैं। दोस्तों मोबाइल में फ़ोटोशॉप आपने सभी ने, अगर आप सीख रहे हैं या फिर फ़ोटोशॉप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में चलाते हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप अपने मोबाइल में भी चला पाएँ और एडिटिंग्स कर सकें, तो दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप फ़ोटोशॉप को बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पे क्लिक करते ही आपको साइड में दिए गए जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए कि जो भी मैं वीडियोज़ जो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र की जगह आप दूसरा भी कोई ब्राउज़र ले सकते हैं। तो अभी मैंने क्रोम ब्राउज़र सिलेक्ट किया है और दोस्तों ये क्रोम ब्राउज़र जो है काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होती है ऐसे काम्स करने के लिए। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को आप ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च कर दीजिए। दोस्तों सर्च करना है आपको फोटोपिया। तो जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं फोटोपिया। दोस्तों फोटोपिया एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप बड़ी एप्लीकेशन है सॉरी वेबसाइट है जिससे आप बड़ी आसानी से, तो दोस्तों मैंने इसका ट्राई करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से इसमें जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फोटोपिया लोड होती है वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फोटोपिया जो है लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोपिया बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी स्क्रीन पे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप अपने फ़ोन का लेआउट चेंज कर लीजिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको अपने फ़ोन का लेआउट को कुछ इस तरह से अपने फ़ोन का लेआउट रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फ़ोन का लेआउट इस तरह से रखना होगा। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन जैसे कि आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसी में रोटेट करके पोर्ट्रेट करिए ऑटो पोर्ट्रेट पे। तो दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसमें जो है ये बहुत अच्छे से काम करेगा उस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे वेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोपिया जो है वेबसाइट जो है लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी आप सब कुछ आपको फोटोशॉप का सब कुछ मिलेगा, गेट पीएनजी सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन, जो आप जो कंप्यूटर में जो है ब्राउज करते थे देखने को मिलता था, तो वहाँ पर आपको सब वो सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉप जो है सभी सिस्टम्स यहाँ पर बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। जैसे टेक्स्ट लगाना हो तो जैसे कि यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो सभी सिस्टम दिखाएँ जो आपको कंप्यूटर में मिलते हैं। दोस्तों नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा कि ये इसमें से कोई आपको सिस्टम मिला है या नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों आप चला रहे हैं वो आपके फ़ोटोशॉप से एकदम नया वर्जन भी आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिलता है आपको मोबाइल में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपकी भाषा हिंदी में लाता रहता हूँ।